सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज से अपन माँ सरस्वती जी का नाम लेके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली बेसिस पर मैं आपको एक दिन लेटर करवाऊंगा, एक दिन ऐसे करवाऊंगा, बट 1 अक्टूबर तक ये जो वीडियोस है ये वीक में 3 या 4 बार ही आएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स है वो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क पे फोकस कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर के बाद सब फ्री हो जाएंगे। और ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है मेजरली ये आपका SBI PO एंड IBPS PO पे बहुत आपको हेल्पफुल्स रहेगी जितनी भी वीडियोस हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो मैं फिर बोलूँगा कि लाइक करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और 1 अक्टूबर के बाद अपन टेलीग्राम पे भी मैं आपके मॉक्स लूँगा विद टाइम। तो जैसे लास्ट 2 सालों से मैं करवाता आ रहा हूँ कि 10 मिनट मैंने लेटर को दिए, 20 मिनट मैंने एसे को दिए और बाद में चैट का जो सेक्शन है वो मैंने ऑफ़ कर दिया। और पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा, बाद में एक एक टेस्ट को मैं चेक किया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अपने पास क्या टॉपिक है। तो आज अपने पास एक लेटर है। लेटर किस से रिगार्डिंग है? तो बैंक मैनेजर को ये लेटर लिखना है। क्यों लिखना है? कि उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें एक नया डेबिट कार्ड इशू करके दो। क्यों इशू करके दो? क्योंकि हमारा जो पुराने वाला डेबिट कार्ड है वो लॉस्ट हो चुका है। और वर्ड लिमिट कितनी है? 150 वर्ड अपने को लिखना है। अब देखो यार, वर्ड लिमिट पर आपको मेन फोकस करना है। ऐसे नहीं है कि 150 वर्ड दे रखे हैं आप 130 कर रहे हो, या 150 वर्ड दे रखे हैं तो आप 180 लिख रहे हो। वर्ड लिमिट ओनली 145 से लेके 155 तक होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना इससे कम होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेटर अपने को कैसे लिखना है। सबसे पहले अपने को सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। सेंडर का एड्रेस ये फिक्स कर लो, कोई भी एक फिक्स कर लो। वहाँ एग्ज़ाम में जाके ये नहीं कि यार मैं सेंडर का एड्रेस क्या लिखूँ। लास्ट के 2 साल से यही फिक्स है, अपना हाउस नंबर 000 व्यास कॉलोनी बीकानेर एंड ये अपना कोड हो गया। तो जैसे ये व्यास कॉलोनी है तो इधर कोमा लगेगा, फिर बीकानेर लिखा है तो इधर कोमा लगेगा, और फिर कोड लिखा है तो इधर कोमा लगेगा। फिर एक का अपने को स्पेस देना है, फिर अपने को डेट लिखनी है नवंबर 18, 2022। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है IBPS PO मेंस के एग्जाम की। तो करके अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यूज टू हो जाओगे। फिर डेट के बाद आपको स्पेस देना है, फिर टू लिखना है, फिर इधर कोमा लगाना है, फिर ब्रांच मैनेजर लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बीकानेर, ये कोमा जरूर लगाना है। छोटी छोटी अपने को इतनी भी गलती नहीं करनी है, अपने को फुल नंबर लेने हैं लेटर में। फिर स्पेस देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग है? कि मुझे नया डेबिट कार्ड इशू करना है, ठीक है। फिर स्पेस देना है, फिर रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। ये जो आपका पूरा कंप्लीट है ना, ये याद कर लो, रट लो कि अगर कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा तो पहले ये एड्रेस लिखूंगा, फिर डेट लिखूंगा, फिर किसको भेजना है वो, फिर सब्जेक्ट एंड फिर रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। फिर बॉडी पे आते हैं। तो जो भी लास्ट के 2 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो शुरू की 2 लाइनें एंड लास्ट की 1 लाइन तो मैंने सबको रटवाई हुई है, और ये एक मेजर रोल प्ले करती है। जैसे स्टार्ट करते हैं कि आई हैव बीन यूजिंग वैल्यूबल सर्विसेज ऑफ योर बैंक सिंस 2014, कि मैं आपके बैंक की वैल्यूबल सर्विसेज यूज कर रहा हूं कब से? 2014 से। और आई एम ए प्राउड कस्टमर ऑफ योर बैंक एंड मैं आपके बैंक का प्राउड कस्टमर हूं। अब कोई भी फॉर्मल लेटर आए, जरूरी नहीं है कि अपने को बैंक को ही ऐसे लिखना है, कोई भी कंपनी आए तो लिख देना है कि आई हैव बीन यूजिंग वैल्यूबल सर्विसेज ऑफ योर कंपनी सिंस 2014 एंड आई एम अ प्राउड कस्टमर ऑफ योर बैंक। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा क्या था? कि अपना ATM कार्ड लॉस्ट हो चुका है और अपने को नया निकलवाना है। तो क्या लिखना है? कि आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरा जो ATM कार्ड है ना वो लॉस्ट हो चुका है, एंड जो लॉस्ट ATM कार्ड हुआ है वो कनेक्टेड है मेरे सेविंग अकाउंट से, और मेरा जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो है ये, और ये कैसे मेरा ATM कार्ड लॉस्ट हुआ यस्टरडे, ये सब कुछ हुआ जब मैं ट्रैवल कर रहा था, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तब मेरा ATM कार्ड लॉस्ट हुआ, एंड देयर इज़ ए बहुत बड़ी अमाउंट में मनी है इस मेरे ATM कार्ड में जो कि सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है, एंड प्रॉम्प्ट एक्शन की ज़रूरत है इसको कैंसिल करने के लिए, और जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सब कैंसिल कर दीजिए जो भी ATM कार्ड के थ्रू हुए हैं, एंड काइंडली ब्लॉक माई ATM कार्ड, कृपया करके मेरा ATM कार्ड ब्लॉक कर दीजिए एंड मुझे इशू कर दीजिए इसके रिप्लेसमेंट में जितना जल्दी हो सके। एंड इस लेटर के साथ साथ मैं अपने जो अकाउंट की डिटेल है वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, एंड मेरी आइडेंटिटी कार्ड वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, ये समझ आ गया। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई फ्लरी लैंग्वेज कुछ नहीं यूज करना गाइज। जितना सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी राइटिंग करोगे ना, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। मुझे भी मिले हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मिले हैं। इसमें ना तो मैंने कोई हाई फाई वोकैब का यूज किया है, सिंपल जो आपको भी समझ आए। अब ऐसे कि मैं आप बड़ी बड़ी वोकैब का यूज कर दूँ, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि एग्जामिनर को भी वो बड़ी बड़ी वोकैब आएगी। और अगर अपन बड़ी बड़ी वोकैब का यूज भी करते हैं ना, तो अपनी मिस्टेक की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। तो एकदम सिंपल लिखना है गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, चलो आगे चलते हैं। अब जब अपन कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड में अपने को क्या लिखना है कि आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सम स्विफ्ट एक्शन लीजिए। देखो मैंने कहीं भी कोई भी हार्श लैंग्वेज का नहीं यूज किया कि हाँ मेरा एटीएम खो गया, बस मुझे नया नया जल्दी जल्दी मुझे नया इशू कर दे। तो ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है, एकदम बी अ प्रोफेशनल पर्सन। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ स्विफ्ट एक्शंस लीजिए। ठीक है, एक्शन लो, वो भी स्विफ्ट लो। फिर स्पेस देना है, फिर आपको थैंक यू लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर यूर्स फेथफुली लिखना है और नीचे नाम लिखना है। अगर लेटर में आया हुआ है कि नाम यू आर राजेश या यू आर रविंदर, तो नीचे रविंदर लिख देना, अदरवाइज एक्स वाई जेड लिख देना। ऐसे नहीं कि आप अपना ही नाम लिख के आ रहे हो। तो ये टोटल 155 वर्ड्स का था लेटर, आई होप आपको समझ आया होगा गाइज। एंड उम्मीद करता हूँ कि, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आई होगी। तो एक या दो दिन में मैं आपके सामने ऐसे लेके आऊँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी पे ऐसे लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत बर्निंग इशू है। सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करने से पहले मैं जीएसटी के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि जीएसटी है क्या है। जब तक अपने को टॉपिक के बारे में पता ही ना हो तो अपन लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसे अपन चलेंगे डेली बेसिस पर। अगर आप मुझे 7 से 8 मिनट फॉलो करते हो तो आपके राइटिंग में अच्छे नंबर आ जाएंगे गाइज। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।